आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। वैश्विक बाजार में तेजी के बावजूद सरसों की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए। सोयाबीन, इंदौर और बिनौला तेल के भाव पूर्ववत रहे। वहीं बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.25% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 3% के लाभ में ये था। वहीं विदेशों में इस तेजी के बावजूद मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से तेल तिलहनों के भाव टूटते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही मंडियों में लगभग 12 से 12.5 लाख बोरी सरसों की आवक हुई है। सूत्रों ने कहा कि देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम खाद्य तेल जरूरतों का लगभग 60% आयात करते हैं और इसके लिए हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि वह तिलहन उत्पादन बढ़ाने को प्रेरित हो सके। सरकार को तेल तिलहन के कारोबार पर पैनी नजर रखनी होगी और देश में तिलहन के अधिक उत्पादन की स्थिति में बाजार टूटने या विदेशी बाजारों की मनमानी घटबढ़ की स्थिति में सरकार को ऐसे कदम तुरंत उठाने होंगे जिससे देश के किसानों के हितों की रक्षा हो सके। तो ये थी बात कि विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद तेल तिलहनों के भाव टूटते हुए लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। तो और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार, स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।